अरे अपना ही हाथ से उठा लो, हो सकता है भगवान ऊपर से देख रहा हो, पड़ोसी के भरोसे आए हो दुनिया में। सही बात। मैंने मैं डीएनए टेस्ट नहीं करा रहा हूँ, मैं हाथ खाने के नाते। तो साथियों अब क्या हो गया, टीवी देख देख के सबको बीवी करीना तो पूछ रही है। नहीं वो तो थोड़ी पुरानी हो गई, अब दीपिका जी नहीं, थोड़ा लेटेस्ट में और जानवी मानवी तक आ गया। तो वैसी वाली सबको बीवी चाहिए, वैसे ही सबको पति चाहिए, सबको कार चाहिए, सबको बंगले चाहिए, सबको वर्ल्ड टूर चाहिए, सबको ब्रांड चाहिए। तो सपना तो बड़ा हो गया, और इंडियन आदमी मेहनत करने के लिए जम के तैयार था। अपना इंडियन ही इतना बड़ा, देखो ये जो जुगाड़ सब है ना, ये इंडिया की वजह से डिक्शनरी में आ गया। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जुगाड़ शब्द आ गया, ठीक है। जुगाड़ का अर्थ है किसी भी काम को कैसे भी करने की कला। ये हम ही लोग कर सकते हैं। अपना बस चले तो फ्लाइट में उड़ते, नहीं तो फर्स्ट एसी में उड़ना चल जाए, सेकंड में चल जाए, थर्ड में चल जाए, बाथरूम के बाहर चद्दर बिछा ले, एक सीट पे चार बैठ जाए और कुछ नहीं मिले तो दरवाजे पर लटक ले, और बिहार उत्तर प्रदेश तो छत पे भी बैठ जाए। इतना जुगाड़ और कहीं नहीं चलता, और दुनिया में इतना जुगाड़ कहीं नहीं चलता है। तो बड़े सपने वाले मेहनती लोग ये इंडिया में, लोगों को मानना है इंडिया को, पता है स्टूडेंट यूएस में पढ़ने आता है तो वो दिन में पढ़ाई कर लेता है, शाम को एक होटल में काम कर लेता है, रात को एक बार में काम कर लेता है, संडे को गाड़ी धो देता है, और पढ़ के भी आता है और घर पैसा भी लेके चला। ये इंडियन स्टूडेंट का सपना। तो हम बड़े सपने वाले मेहनती लोग हैं, खूब बड़ी जरूरतमंद आबादी, सबको नीड है पर्यावरण, सबकी जरूरतें बढ़ गई है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, सब कुछ हो गया। तो इतनी बड़ी जरूरतमंद आबादी एक साथ वर्ल्ड में कहां है? तो भारत की इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जरूरतमंद आबादी, लॉजिकल बोल रहा हूं पहले ना आपको, लॉजिक फिर नंबर पे आता हूं थोड़ी देर में रुकिए, क्योंकि कभी कोई बोले आप अचरज कर जाएंगे जब मैं बताऊंगा कि 135 करोड़ लोगों में एक्चुअली कितने हैं, और एक्टिव बोल दूंगा तो और चक्कर खा जाएंगे। तो साथियों बड़े सपने वाले लोग, बहुत बड़ी जरूरतमंद आबादी, बहुत बड़ी युवा आबादी। तो एक तो उम्र में युवा और दूसरा दिल से युवा, तो उम्र में युवा वाला भी ये सबसे बड़ा देश है दुनिया का। तो दूसरे शहरों में बिजनेस खड़ा करना हो, अलग अलग शहरों में मीटिंगें लेनी हो, रात को भागना हो, सुबह भागना हो, दिन भर फोन पे डटना हो, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो ये देश अभी दुनिया के लिए सबसे आइडियल देश है। मेरी आवाज पीछे तक क्लियर? Yes! तो दोस्तों पेन पेंसिल चालू रखना है ना, क्योंकि आपको कल किसी को समझाना पड़ेगा क्यों इंडिया बेस्ट है। कई बार आदमी कहता है सिंगापुर में कर लो, कभी कहते हैं मलेशिया में कर लो, ये सब बिना बात की कंट्री है। टोटल कंट्री कितनी बड़ी है, मैं दिल्ली से अभी यहां तक आया हूं, इसमें 7-8 देश पार हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे, बात समझ रहे हैं। टोटल सिंगापुर 54 किलोमीटर का है, एक कोने से दूसरे कोने, 54 किलोमीटर में आपका जिला पार नहीं होगा ठीक से। यही बात राइट की नाउ फैलने में ऐसा हॉरिजॉन्टल खत्म हो गया, सिंगापुर में तो वर्टिकल फैल रहा है, क्योंकि समुद्र में आधा जितना तक जा सकता है आधा वहां तक पाट लिया। तो सार ये है कि ये जितने देश ऊपर बैठे हुए ना गगन में, एक्चुअली लगेंगे भी नहीं हमारे सामने, फूक में भी नहीं आएंगे हमारे सामने, रुक तो जाइए अभी, बच्चे को बाहर निकल के खेलने दीजिए, अभी तो बाहर आया नहीं। सुनिए नंबर 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 पे आते नंबर, ठीक है। अच्छा सबसे फोकट रिश्ते नातों का देश है, ठीक है। अपने फैमिली में एक आदमी को कार दो 6-7 आ जाते हैं, गांव में तो आज भी किसी के शादी होगी तो पूरा घर में ताला लगे, राइट की नो है। तो ईमानदारी से भी तो कल जाते जाते एक प्रयोग करके देख लेना, ये कोई पुल में से सारे लोग ऐसे नीचे झांकना शुरू करना, 5-7 लोग ऐसे नीचे झांकना, थोड़ी देर बाद ट्रैफिक जाम हो जाएगा, 200-400 लोग खड़े जाएंगे, और एक जन मजाक में बोलना हो देखो एक डेड बॉडी तैर रही है, थोड़ी देर में वो 2 हो जाएगी, फिर वो 3 हो जाएगी, और सब बोलने लग जाएंगे, बहुत लोग कूद के आत्महत्या कर लिए, फिर 1-2 घंटे बाद उसका नाम भी फिक्स हो जाएगा, एक रमेश था, एक सुरेश था और एक अल्ताफ था, 3 कूद के मर गए। थोड़ी देर बाद किस गांव के ये भी फिक्स हो जाएगा, मजे की बात है पानी में कुछ ऐसे भयंकर जोर से आवाज लगा दो तो 10-15 अपने ना इंडिया में देखना, गाड़ी रोक के देखो पूछना एड्रेस से भी कहा जाना है, पास से ना 8-10 लोग आ जाते हैं एड्रेस बताने, वहां जितने खड़े होते सब आ जाते हैं एड्रेस बताने। तो
रिश्ते नातों का देश। मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज लॉट ऑफ यू पीपल आर ऑल्सो हियर। क्यों इंडिया सबसे अच्छा है? बड़े सपने वालों का देश, मेहनती लोगों का देश, रिश्ते नातों का देश, क्योंकि ये पीपल व्यापार है और पीपल्स व्यापार में पीपल चाहिए। और पीपल कहां मिलेंगे? उन्हीं देशों में मिलेंगे जहां पे बच्चा पैदा होता है तो 1000 आदमी रहते हैं, मरते हैं तो 2000 आदमी रहते हैं। लाश को लेके शमशान घाट कौन पहुंचाता है? घर वाले कोई समझ नहीं आता। मजाक नहीं कर रहा हूं, अपने यहां कोई मरता है तो घर वाले कोई समझ नहीं आता, शमशान घाट लाश कौन लेके। तो साथियों, रिश्ते नातों का देश, ढेर सारे उत्सव और त्यौहार, ढेर सारे। अपने वर्किंग डे गिनना पड़ता है, लोगों के छुट्टी गिनते हैं, राइट या रॉन्ग? तो जिस देश में ढेर सारे उत्सव त्यौहार हो, ढेर सारे रिश्ते नाते हो, सबसे बड़ी आबादी, आइडियल आबादी और जरूरतमंद है, वो देश एक्चुअली फसल को डबल नहीं ट्रिपल क्रॉप टाइप का उपजाने के लिए सबसे उपजाऊ देश है। तो आप दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए सबसे आदर्श देश में पैदा हुए हैं, सबसे आदर्श। यहां तक का आपका दाव राइट, लेकिन इसमें आपका योगदान नहीं था, मम्मी पापा ने किया। तो आपका अभी तक कोई रोल नहीं है, आपका रोल तो अभी यहां शुरू होने वाला है। अब कुछ और आंकड़ों पे आते हैं, अब नंबर पे आते हैं। नंबर क्या बोलते हैं? तो मैं आपको आज कुछ सरप्राइजिंग नंबर दिया और आप अचरज में पड़ जाएंगे कि हम जिसको सोच रहे थे कि गली गली पहुंच गया है, हम जिसको सोच रहे थे कि हर शहर में घुस गया है, ये क्या वाकई इतना गली गली पहुंच गया? क्या वाकई हम बहुत सैचुरेटेड देश है दुनिया के? तो आइए कुछ नंबर देखते हैं। तैयार है नंबर के? यस। क्योंकि जब भी आपको कोई बोले अरे यार हर आदमी किसी ना किसी से जुड़ा है, तो ये सब आंसर देना है। कोई आपसे बोले अरे फॉरेन का व्यापार है, तो आपको ये सब आंसर देना है। कोई आपको बोले अरे बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आपको ये सब आंसर देना। आइए कुछ नंबर देखते हैं। नंबर में कहां खड़े हैं? दुनिया में टॉप 10 देश कौन से हैं? देखिए एमएलएम में टॉप 10 कंट्रीज वर्ल्ड की, वर्ल्ड की नंबर वन कंट्री है चाइना, बिलियन डॉलर्स में मार्केट में आप बिजनेस दिखा रहे हैं। सेकेंड नंबर पे यूएसए, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान। और ताइवान दिल्ली बराबर देश है, बता रहा हूं, दिल्ली से छोटा है। अब आप एक चीज सोच के देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वक्त आपको अपनी धारणा तोड़ना आवश्यक है। आपके अपने दिमाग में भी कहीं यह बात है कि अब बहुत हो गया है, सब तरफ फैल गया है, मार्केट टफ हो गया है। तो आप जानिए कि दुनिया की सबसे आइडियल आबादी होते हुए भी हम वर्ल्ड की टॉप 10 मार्केट में भी आज तक पैर नहीं रख पाए। तो आप एक मिनट सोच के देखिए कि कितना बड़ा मार्केट अभी बाकी, आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से आधे से ज्यादा ये जर्मनी कितना बड़ा देश है, यूरोप में 10 घंटे ट्रेन में बैठ के चलते हो, 4 देश क्रॉस हो जाता है उतनी देर में, क्या आप सोच रहे? और ये लोग छोटी छोटी आबादी में, 2 करोड़ की आबादी, 1.5 करोड़ की आबादी, 3 करोड़ की आबादी, 5 करोड़, बहुत ध्यान से लॉजिक समझिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा अपना दिमाग हमारा बैरियर हो जाता है, हमारा अपना दिमाग ये बोलता है नहीं बहुत हो चुका है मार्केट में और स्कोप नहीं है, स्कोप सुन के चक्कर आ जाए लगा। तो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की आबादी वाले देश पेनिट्रेशन ऑफ एमएलएम की वजह से टॉप 10 में है, और 135 करोड़ की आबादी वाला देश टॉप 10 तो छोड़ो टॉप 20 में भी। अब आप ये सोचो कितना स्कोप बाकी। तो मैंने जो बात की थी मार्केट अप, सब नोट कर रहे एकदम बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं कि फोटो खींच लो दिखा देना किसी को, सर आप बोल रहे ना हर जगह सैचुरेट हो गया, देखिए क्या लोग आंकड़ों को नहीं हरा सकते, ठीक है? इसीलिए मैथ्स में जब क्वेश्चन राइट होता है ना फुल मार्क मिलता है, और हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में क्वेश्चन राइट होता है ना तो भी टीचर 1-2 नंबर काट देते हैं, क्योंकि उसमें टीचर का भी अपना व्यू पॉइंट होता है, लेकिन मैथ्स में किसी का कोई व्यू पॉइंट नहीं होता। तो साथियों पहली चीज, आप अभी तक टॉप 10 में भी नहीं आए हैं, तो आपके सामने आज की तुलना में 10,000 गुना बड़ा होने का चांस है, 10,000 गुना। सर आप सोच के देखिए, राइट मार्केट में है और सबसे राइट अपॉर्चुनिटी में आप खड़े हैं, क्योंकि मैं
सेटल हुए और गवर्नमेंट के रूल बने और जब से आप लोग भी पूरा प्रॉपर बहुत बढ़िया से जा रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक बने हुए हैं, ये सब होते हैं महज कुछ साल। तो पहला मार्केट पोटेंशियल इंडिया आज तक टॉप 20 में भी नहीं है, इतना बड़ा मार्केट पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एज, कभी कभी हम सोचते हैं कम उम्र है, ज्यादा उम्र है, आप अचरज कर जाएंगे। मैं आपको एज का फैक्टर दिखाता हूं। 8% लोग 18 से 24 साल के, मैंने आपको क्या बोला था, आंकड़ा बताऊं, आंकड़े सुनिए, 18 से 24 साल वाले लोग 8% वर्ल्ड का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, 25 से 34 साल वाले लोग 20% है, 35 से 44 साल वाले लोग 26% है, कोई 50 साल का हो गया और वो बोलेगा अब मैं क्या करूंगा, तो सुनिए 45 से 54 साल वाले लोग 24% है, और कोई 54-55 के बाद हो जाए और बोले अब तो मेरे बच्चे कमाने लग गए हैं, तो सुनिए ग्लोबल आंकड़ा, 55 साल के बाद वाले वर्ल्ड ओवर 22% लोग डायरेक्ट सेलिंग। अब आप बताइए कौन आपका टारगेट ग्रुप नहीं है। 18 साल से शुरू करके जो कि लीगल एज है किसी बिजनेस में आने के, 18 साल की उम्र से शुरू करके 60, 65, 70, 80 कहीं तक भी जाइए, ये एक मात्र ऐसा बिजनेस है जो ना जात पूछता है ना पात पूछता है, ये एक मात्र ऐसा बिजनेस है जो ये नहीं पूछता कि आप एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है कि जनरल है, कुछ नहीं पूछता, ये बोलता है बड़ा बनने का सपना है तो मैं बाहें फैला के रखा हूं, आ जाओ, सिर्फ इतना कुछ नहीं पूछता, ये नहीं पूछता आपका सीना कितना चौड़ा है, सेना में जाने के लिए सीना पूछते हैं, अरे सीने से गोली चलती है, जिगरे से गोली चलती है, किसी का सीना इतना बड़ा होता है, है? लेकिन जरा सा तब तो भाग जाता है, सीने से गोली नहीं चलती, कूदे से गोली चलती है। तो बाकी कहीं देखो तो ये एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए इतनी उम्र, इसके लिए ऐसी सुंदरता चाहिए, इसके लिए ये हाइट, ये चेस्ट, ये वेट, ये एक मात्र जगह है जहां पे ना जात थी, ना पात थी, ना हाइट थी, ना वेट थी, ना नाम थी, ना सरनेम थी, ना परिवार थी, कुछ नहीं थी, बस बड़ा बनने का सपना थी, चले आप एक व्यापार। और यही एक व्यापार है दोस्त जिसमें शनि भगवान भी कुछ नहीं कर पाते, जिसमें ना सारे साथी आती है, ना ढैया जो भी आती, यही आके ज्योतिषी फेल हो जाते इसी व्यापार में, क्योंकि ठीक है मेरा खराब है कुंडली, अरे मेरे कोई डाउनलाइन का तो अच्छा होगा। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं, गुड टाइम से दोस्तों।